सर्प मेघ यज्ञ अर्थात नागों की संपूर्ण जाति को समाप्त कर देने वाला यज्ञ, उस यज्ञ को रोकने का कार्य एक नन्हे बालक माता मनसा के पुत्र को करना था। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी माता मनसा के लिए, इसलिए माता मनसा ने नागराज वासुकी से कहा, जिस यज्ञ को स्वयं देवता भी नहीं रोक सकते उस विनाशकारी यज्ञ को रोकने के लिए मैं अपने पुत्र को भेज दूं। परंतु माता मनसा के पुत्र का उद्देश्य तो यही था, लेकिन एक माँ की ममता अपनी संतान के लिए विचलित कर देती है। उधर ऋषि उत्तांग ने यज्ञ प्रारंभ होने से पहले यज्ञ स्थल को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए मंत्रों की शक्ति से एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया था। उसके उपरांत ऋषि उत्तांत की सहायता से महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय ने वो विनाशकारी सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया था और उस यज्ञ में सर्प भस्म होने लगे थे। बहुत ही विकट परिस्थिति थी, एक ओर नागों के संकट का समय था और एक ओर माँ की ममता। ऐसे में माता मनसा के लिए एक दुविधा उत्पन्न हो गई थी, परंतु महाराज जन्मेजय और ऋषि उत्तांत के लिए कोई दुविधा नहीं थी। वे तो अपने प्रतिशोध के क्रोध से सभी नागों